हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी बुक के बारे में जिसको बाइबल ऑफ द इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसा ग्रंथ जिसमें सारे राज लिखे हैं इन्वेस्टमेंट के, जिसको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी अपनी सक्सेस के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। यहाँ तक कि वॉरेन बफेट, जो दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन में से एक है, वो भी अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट इस बुक को देते हैं, जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या इन्वेस्टमेंट की नॉलेज चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहे। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर वन, व्हाट इज इन्वेस्टिंग। अक्सर लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, गलत फहमी ये रहती है कि अगर आप एक ग्रेट इन्वेस्टर हो तो आपको 2-3 साल तक वो इन्वेस्टमेंट रखनी ही है। यानी अगर आप लंबे टाइम तक कोई इन्वेस्टमेंट रखोगे तो प्रॉफिट होगा, यही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। बट असल में ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। एक ग्रेट इन्वेस्टर वही होता है जो इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करता है। पहली, थोरो एनालिसिस। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसके शेयर खरीदना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उस कंपनी की सारी डिटेल्स लेनी होंगी, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उस कंपनी या शेयर का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, पिछले 10 साल में उस कंपनी का ग्राफ कैसा रहा है, एक्सेट्रा। दूसरी, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। यानी आपका जो मूल है, इन्वेस्टिंग प्राइस है, जो कि आपका प्रिंसिपल है, वो सेफ रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो ही डूब जाए। तीसरी, एडिक्वेट रिटर्न। मतलब आपको जो अमाउंट आपकी इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला है वो आपकी फिक्स्ड एसेट से 5% ज़्यादा हो। सपोज आप FD करवाते हो, वहाँ से आपको 7% इंटरेस्ट मिलता है, और उसमें अगर आप 5% और ऐड कर दो, यानी 12%, अगर आपको इतना प्रॉफिट आपकी इन्वेस्टमेंट से मिलता है तो वो एडिक्वेट रिटर्न होगा। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में ये तीनों चीज़ें हैं तो वो इन्वेस्टिंग है, और अगर ये नहीं है तो ये स्पेकुलेशन है। मतलब आप जुआ खेल रहे हो, क्या पता कुछ मिल जाए या सब कुछ डूब जाए। पॉइंट नंबर टू, मिस्टर मार्केट। अक्सर देखा गया है जब किसी कंपनी, किसी शेयर या किसी करेंसी का प्राइस बढ़ रहा होता है तो लोग उन शेयर्स को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, और जब प्राइस घट रहा होता है तो उसे बेचना, जिससे बाद में उन्हें लॉस उठाना पड़ता है। अच्छा इन्वेस्टर वही है जो बढ़ती हुई मार्केट में शेयर को बेचे और घटती हुई मार्केट में शेयर खरीदे, क्योंकि मिस्टर मार्केट, जो कि एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको शेयर के प्राइस इमोशनल बेसिस पर दिखाता है। जब वो खुश होता है तो वो आपको सही एक्चुअल प्राइस दिखाता है, जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। बट जब वो दुखी, सैड होता है तो वो आपको किसी भी शेयर का कुछ भी प्राइस दिखा सकता है, किसी का बिल्कुल कम और किसी का ज़रूरत से ज़्यादा। और वही टाइम होता है सही इन्वेस्टमेंट करने का, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, और अगर गलत डिसीजन लिया तो ज़्यादा लॉस। इसलिए जब मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट हो तब शेयर खरीदे, और जब बहुत ज़्यादा तेजी हो तो शेयर बेच दे। पॉइंट नंबर थ्री, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सपोज आप एक इंजीनियर हो और मैं आपसे कहता हूँ कि आपको इस नदी के ऊपर से पुल बनाना है जिसकी कैपेसिटी इतनी हो कि 10,000 पाउंड का वेट इजीली उठा ले। तो अगर आप एक समझदार इंजीनियर होंगे तो आप सेफ्टी के लिए एटलीस्ट 11 या 12 पाउंड की कैपेसिटी वाला पुल बनाएंगे, जिससे अगर कोई 10,000 पाउंड से ज़्यादा भारी ट्रक उस पर से गुजरे तो वो पुल टूटे ना। उसी तरीके से जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, सपोज उस कंपनी के शेयर का एक्चुअल प्राइस है 200 रुपये, तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उस शेयर को उसके एक्चुअल प्राइस से कम में ही खरीदना है। आप 200 वाले शेयर को 160, 180 या 185 में खरीदे, क्योंकि हो सकता है आपकी एनालिसिस में थोड़ी कमी रही हो। 200 रुपये आपने उसका फेयर प्राइस निकाला है, क्या पता वो उससे कम हो, क्या पता मार्केट में कोई बदलाव आ जाए या फिर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए। किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रखा और आपकी एनालिसिस द्वारा आए फेयर प्राइस में उस शेयर को खरीद लिया तो आपके लॉस होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बट अगर आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। पॉइंट नंबर फोर, टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। ऑथर के अकॉर्डिंग 3 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट, डिफेंसिव इन्वेस्टर। सेकंड, एंटरप्राइज इन्वेस्टर। एंड थर्ड, हाइब्रिड इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होते हैं जो लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते
और ना ही वो लॉस लेना चाहते हैं। वो रिसर्च में भी ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते और ना ही ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। वो थोड़ा थोड़ा लगाकर थोड़े थोड़े प्रॉफिट में ही खुश रहते हैं। एंटरप्राइज इन्वेस्टर वो होते हैं जो ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, रिसर्च में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और पेशेंस तो इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है, और अपने आप पर इन्हें पूरा विश्वास होता है। इसलिए लॉन्ग रन में हमेशा ऐसे इन्वेस्टर ही जीतते हैं और बहुत ज़्यादा और बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। और हाइब्रिड इन्वेस्टर वो होते हैं जो डिफेंसिव और एंटरप्राइज इन्वेस्टर के मिक्सचर होते हैं, जो ना ही इधर के होते हैं और ना ही उधर के। ये कही सुनी बातों से इन्वेस्ट करते हैं, जैसे टीवी पर कुछ देखकर या सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को देखकर या किसी से इन्वेस्टिंग की टिप लेकर ये इन्वेस्ट करते हैं। इसको एक स्टोरी के रूप में बताऊं तो, एक गधा रोड क्रॉस कर रहा होता है, वहीं अचानक सामने से गाड़ी आ रही थी। अब वो डिसाइड नहीं कर पाया कि वो रोड के इस तरफ जाए या उस तरफ, जिस कारण वो रोड के बीच में ही खड़ा रहा और उसका एक्सीडेंट हो गया। सेम यही चीज़ हाइब्रिड इन्वेस्टर्स के साथ होती है। इसलिए चाहे डिफेंसिव इन्वेस्टर्स बनो या एंटरप्राइज इन्वेस्टर्स, बट कभी हाइब्रिड इन्वेस्टर्स मत बनना। इससे बेस्ट तो यही होगा कि आप अपने पैसे बैंक में रखें या FD करवा ले। तो गाइज, ये थे कुछ मेन पॉइंट्स इस बुक के। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या फ्यूचर में करना चाहते हो, तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है इन्वेस्टिंग सीखने के लिए। और इस बुक में आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज भी मिलेंगी इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ बेनिफिट उठा सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अंत में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।